धर्मपुर की, जहां मुरादाबाद परिक्षेत्र में पुलिस महानिरीक्षक रमित शर्मा द्वारा पुलिस लाइन सभागार में प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने जनता की समस्याओं को जाना और मीडिया से भी बातचीत कर उनका समाधान निकालने के लिए बात की, जिसमें पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अजय पाल शर्मा, एडिशनल एसपी अरुण कुमार सिंह और क्षेत्राधिकारी सत्यजीत गुप्ता भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि शहर में जाम लगने की सूचना कई बार मिली है, इसलिए आज शहर में जाकर लोगों से वार्ता की गई, जिसमें लोगों को जाम से निजात दिलाने के लिए वन वे पर पहला काम किया जाएगा और पार्किंग के लिए भी पार्किंग पॉइंट पर काम किया जाएगा, जिसमें रामपुर में जाम की समस्याओं से रामपुर की जनता को निजात मिलेगा। जी हाँ, बाकी कानून व्यवस्था को लेकर भी वार्ता की गई है और पुलिस अधिकारियों से वार्ता कर उन्हें दिशा निर्देश दिए गए हैं। और उन्होंने कहा कि जिन बुजुर्ग लोगों की उम्र 60 साल से ऊपर है, जो अकेले आश्रित घरों में रह रहे हैं, उनकी जानकारी संबंधित थानों में दर्ज करवाई जाए, जिससे भविष्य में उनके साथ कोई अप्रिय घटना ना घटित हो। और यूपी क्रॉप ऐप का प्रचार प्रसार जगह जगह होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में सी क्रॉप ऐप के माध्यम से पुलिस सहायक मित्रों बनाने के लिए भी संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। और उन्होंने बताया कि अब जल्दी 100 नंबर 112 होने जा रहा है, इससे डायल करके पुलिस को सूचना मिलने पर तुरंत मदद पहुंचेगी। जो है ये प्रेस जनता के व्यक्ति और जनप्रतिनिधि हैं, इनके सामने ये इंटरेक्शन का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। ये एक सब पार्ट है जो एज अ नोडल ऑफिसर 2 दिवसीय और 1 रात्रि विश्राम का कार्यक्रम था। इसमें पर्पज़ ये था कि जो पुलिस के जो कार्य पद्धति है और जो पुलिस की कार्यप्रणाली चल रही है, इसके बारे में फीडबैक जाने, सुझाव जाने लोगों के, और चीज़ों को इम्प्रूव करने का तरीका हम लोग निकालें। इसका एंटायर पर्पज़ सुधारात्मक है, जिससे चीज़ों को और बेहतर सुधार कर पाए, जो पब्लिक के लोग हैं उनका फीडबैक जान सकें, जो लोग का इन चीज़ों से इंटरेक्शन पड़ता है, पुलिस से ज़रूरत पड़ती है, उनसे हम जान सकें कि पुलिस का व्यवहार उनके प्रति अच्छा है, कैसा है, क्या क्या चीज़ें हैं जो उनके समझ में हमें सुधारना चाहिए। कई अच्छे सुझाव मीडिया के माध्यम से, जनता के व्यक्तियों के माध्यम से, कुछ जनप्रतिनिधियों के माध्यम से बहुत अच्छे सुझाव मिले हैं, जिस पे एसपी साहब को बताया गया है कि उन पे कार्रवाइयाँ शुरू करें और वो उस पे कुछ कुछ काम शुरू भी करेंगे। इवन जो रामपुर के कुछ पर्टिकुलर एरिया में जाम लग रहा है, उस जाम को लेके भी कुछ सल्यूशन लोगों ने सजेस्ट किए हैं, जिसको एज अ पायलट ट्राई करके देखते हैं कि अगर उसको लेके कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है और वो सल्यूशन वर्क कर रहा है, तो उसको प्रयास करके देखते हैं कि अगर वो पायलट में अच्छी तरह कार्य करता है तो हम उसको परमानेंटली लागू कर दें, जिससे मिस्टनगंज, राजद्वारा, इन सब एरिया के जाम जो हैं उनको सुधारा जा सके। कुछ जगहों पर पार्किंग और टेम्प्रेरी पार्किंग भी चिन्हित करने के लिए संबंधित विभागों से रिक्वेस्ट की गई है, जिससे कि जाम की समस्या से निजात जो कुछ इंटीरियर सिटी के एरियाज़ हैं वहाँ पे मिल सके। बाकी जो पुलिस के संग में किसी कैपेसिटी में इंटरेक्ट किए हैं, कुछ कंप्लेनेंट्स हैं, कुछ शिकायतकर्ता हैं, उनसे भी रैंडमली सिलेक्ट करके बातचीत की गई है और उनसे भी उनकी प्रतिक्रियाएँ जानी हैं कि उनको क्या क्या कहना है। तो इस पूरी प्रोसेस का पर्पज़ ये था कि हम पुलिस में और बेहतर सुधार लाने के लिए एक फीडबैक ले सकें, एक ग्राउंड की क्या रियलिटी है वो जान सकें और उसको हम सुधारें। तो उसका आज अभी हम एंड आपकी मीटिंग के साथ करें। सर, कुछ लोग बुज़ुर्ग हैं जिनके, जो लोग मतलब जो लोग अकेले रहते हैं, उनके लिए किस तरीके की? ये अभी एक कम्युनिटी पुलिसिंग की स्कीम लॉन्च होगी, जिसमें जो बुज़ुर्ग लोग हैं जो अकेले रहते हैं, उनको कम्युनिटी पुलिसिंग में कॉन्स्टेबल्स अप्रोच करेंगे और उनके पास जाएंगे, उनको घर पे जाएंगे। उसके लिए भी बहुत बृहद कार्यक्रम, मैसिव कार्यक्रम है, तो बुज़ुर्गों के लिए भी स्कीम प्लान में है। सर, डायल 100 को 112 किया जा रहा है, क्या कब से इसकी अभी घोषणा होगी? सी ऐप कम्युनिकेशन ऐप है, उसमें जो सहयोगी हैं उनके नंबर्स आ सकते हैं। जो कुछ पूछ रहे थे, वो ये बात सुझाव में आई थी कि कुछ लिमिटेड लोग ही हैं जो पुलिस के संग इंटरेक्ट कर पाते हैं और लोग को इंटरेक्शन के लिए भी आना चाहते हैं, तो उनको ये मैंने सुझाव दिया था कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो पुलिस के संग एसोसिएट होना चाहते हैं, वो एज़ डिजिटल वॉलंटियर, एज़ कम्युनिटी पुलिसिंग की स्कीम्स में पीस कमेटी के मेंबर, स्पेशल पुलिस ऑफिसर, पुलिस मित्र, अलग अलग विभिन्न स्कीमें हैं
जो आपके मर्ज़ी की है, जो आपकी पसंद की है, उसमें आप पुलिस के साथ आएँ, पुलिस का सहयोग करें और पुलिस के बारे में आप जिस कैपेसिटी में सहयोग कर सकते हैं आप सहयोग करें। पुलिस आप ही की मदद के लिए है और आपके संग में विभिन्न कैपेसिटीज़ में जुड़ने के लिए इच्छुक भी। सर कल आप रिक्शा में बैठकर सर आपने निरीक्षण किया था और बंदे को भी बताया गया कि बंदे किया जाए जी वहाँ पे एक्चुअली मेस्टनगंज में और राजद्वारा के लोकल दुकानदारों से इंटरेक्शन किया था, तो उन लोगों का ये सुझाव था कि वहाँ पे उनका ये कहना था कि अगर कुछ पर्टिकुलर एरिया है जहाँ वन वे कर दिया जाए तो वो वहाँ की कंजेशन के लिए ज़्यादा कारगर होगा, उसको सुलझाने के लिए, वहाँ जाम को हटाने के लिए वन वे ज़्यादा कारगर होगा। एसपी रामपुर से रिक्वेस्ट की गई है कि कुछ दिन के लिए वहाँ एज अ पायलट वन वे चला के देखे, अगर उस वन वे से उस जगह के जाम में निजात मिल रही है और लोगों का ऑब्जेक्शन नहीं है तो फिर उस वन वे को हम लोग वहाँ परमानेंट कर देंगे। सर पहले भी रिक्शाएँ रोकी जाएंगी बाज़ार से नहीं जाएगी शताब मार्केट तक, जितने भी बीच में कट हैं उनमें से ही रिक्शाएँ आती हैं, बाज़ार में वैसे ही रहता है जी ई रिक्शा, क्योंकि लोकल दुकानदार वहाँ के जो हैं वो बिल्कुल परमानेंटली उस एरिया में बैन करने के लिए मना कर रहे हैं क्योंकि उनके लोगों को पहुँचने में दिक्कत हो रही है अपने घरों तक, तो इसलिए उन्हीं की तरफ से एक सुझाव आया है कि उसको वन वे ट्राई करें। तो अभी पायलट 10-15 दिन चला के देखते हैं तो अपने आप समझ में आएगा कि अगर इससे हमारा सोल्यूशन निकल आ रहा है तो फिर ठीक है सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं गुरु नानक राइस मिल तरावड़ी से मलकीत सिंह सभी प्रदेशवासियों को दिवाली और गुरु नानक देव जी के जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूं। श्री गुरु नानक देव जी और लक्ष्मी जी की आप सभी पर कृपा बनी रहे। तरावड़ी राइस मिलर्स एंड डीलर एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट तथा गुरु नानक राइस मिल के चेयरमैन सरदार मलकीत इंद्र सिंह कम्बोज की ओर से सभी देशवासियों और तरावड़ी नगर वासियों को धनतेरस, गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के साथ साथ आप सभी को शुभ दीपावली एवं भैया दूज की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु नानक राइस मिल, गांव चोपी तरावड़ी, जिला करनाल, हरियाणा। संपर्क सूत्र 9896767700, 7082093700, 9468227222, 7027551000, 9050111009। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।